दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे और लगातार कंटिन्यूसली मैसेज आ रहा है लेकिन मेरे पास इतनी व्यस्तता थी कि मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि फ़ीस पेमेंट करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है कि फ़ीस पेमेंट हमें कहाँ करना है। तो जैसे मान लीजिए कि आज ऑफ़र एक्सेप्ट करिए आप मान लीजिए कि कितना 18 जून है, ठीक है, 18th of June है आज। तो आज ऑफ़र मान लीजिए एक्सेप्ट किए, तब आपको जो है अभी तुरंत फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, कल नहीं परसों तक आपका फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। कहाँ पे करना है फ़ीस पेमेंट, आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ से आप लोग अप्लाई किए होंगे फॉर्म, ठीक है। तो जैसे IIT कानपुर का मैंने एक्सेप्ट किया हो तो IIT कानपुर MTech एडमिशन 2023 पे क्लिक किया, उसके बाद PG एडमिशन पे चला जाऊँगा। तो अगर IIT खड़गपुर का आप लोग एक्सेप्ट किया तो IIT खड़गपुर के जहाँ से आप लोग फॉर्म फिल किए थे ना, वहीं पर जाना और उसी के थ्रू मतलब आप लोग को लॉगिन करना है, ठीक है। या फिर IIT बॉम्बे आप लोग एक्सेप्ट किए हैं तो IIT बॉम्बे की वेबसाइट पे जाना, IIT इंदौर में किए हैं तो IIT इंदौर में जाना। तो मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट का में जो आप ऑफर एक्सेप्ट किए हैं तो उसी इंस्टीट्यूट में आप लोग को जाना है और जैसे फॉर्म अप्लाई किए थे उसी तरीके से आपको जो है वहाँ पे क्लिक करके खोलना है, मतलब कि लॉगिन करके पोर्टल ओपन करना है। तो जब आप पोर्टल ओपन करेंगे, थोड़ा मेरे में नेटवर्क स्लो है, मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे नीचे आप लोग आएंगे, तो यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन था इम्पोर्टेंट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे। इम्पोर्टेंट लिंक के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे लॉगिन टू पोर्टल क्लिक हियर। तो इसी तरीके से आपको अपनी मतलब कि जो भी ऑफर एक्सेप्ट किए होंगे जिस IIT का, उस वेबसाइट पे जाना है, उस पोर्टल पे, जैसे IIT खड़गपुर किए होंगे या IIT बॉम्बे किए होंगे, मतलब जिसमें किए हैं उसमें आपको जाना है, यहाँ पर लॉगिन करना है। तो यहाँ पर लॉगिन कर लेना है आपको, यहाँ पे वो डाल देना है VWJCKIC, लॉगिन कर लेना है। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको लॉगिन कर लेना है। यस, तो यहाँ से लॉगिन करेंगे तो ये देखिए, जैसे लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन आ रहा फी पेमेंट का। अगर आप लोग ऑफर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ से केवल एप्लीकेशन फॉर्म आएगा यहाँ पे, लेकिन अब फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो फी पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से सभी IIT में ऐसा होगा, तो फी पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको जो है योर सिलेक्शन यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरीके से कुछ ओपन होगा, ये देखिए। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, जेंडर ये सब आएगा और उसके बाद जो है अमाउंट आएगा। तो यहाँ से आपको इस तरीके से कुछ कर लेना है।